आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। चले जाएगा दीपेन भाई, गेप देख पानी बहुत ज्यादा जा रहा है। अरे वो जो मेन नहर का पानी है कि नहीं, वो क्या मशीन से खुलता है? वो क्या वो फट दरवाजा लगा हुआ है ना? अब इनके पास मशीन नहीं है, और जो उसका मेन ठेकेदार है वो साला वहाँ बैठा हुआ ग्वालियर। तो वो टांगी को दो बार अभी तो मैं रस्ते के लिए फोन लगा, मेन इंचार्ज को बोले भेजो भेजो, अब तक रस्ते नहीं भेजो। नीचे उतर जाओ तुम लोग, जा रहा चलो निकलो उधर, निकलो उधर। एक्स वाई जेड सभी अधिकारी को मैंने इनकी शिकायत की, जिसके फोटो वीडियो बाय प्रमाण मैंने चिप के अंदर भी डाल के दिए हैं, जिसकी सारी रिसिप्ट मेरे पास रखी है। उसके बावजूद भी आज दिनांक तक यहाँ पे एक भी अधिकारी हरकत में नहीं आया, और सबने भ्रष्टाचार युक्त डैम बनवाया। आज अगर ये डैम फट जाएगा और किसी प्रकार से कुछ होगा घटना दुर्घटना, तो इसका जवाबदार कौन होगा? उसका जवाबदार प्रशासन होगा। मेरी शिकायत L4 पे पिछले 3 महीने से चल रही है, आज दिनांक तक किसी भी SDM ने, तहसीलदार ने या किसी भी कलेक्टर ने या मुझे बुला के आज दिनांक तक कोई बयान नहीं लिए। इसके अंदर जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर बड़े बड़े पत्थर दफनाए गए, जिसका वीडियो मैंने बाय प्रमाण सारे फोटो वीडियो एविडेंस के साथ में चिप के अंदर डाल के और अधिकारी को ऊपर लेवल तक भोपाल स्वयं के खर्चे में जाके देकर आया हूँ कि सर जब भी ये डैम फटेगा हम और हमारा पूरा खानदान और हमारा पूरा संसार लूट जाएगा, आप इसकी एक बार जांच कर लीजिए। पर आज दिनांक तक कोई अधिकारी हरकत में नहीं आया है, और कलेक्टर साहब को 100-100 बार में जाके अवगत कराया, सामने कभी मिलने का मौका नहीं दिया कलेक्टर साहब ने भी। तो आज हम आप देख सकते हैं ये लोग केवल पैसा कमाने आए हैं, और आज हमारे भविष्य के साथ और हमारे पूरे संसार के हमारे जितने भी लोग हैं सबके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। और आप और एक एक चीज और मेरी L4 पे शिकायत पिछले 3 महीने से चल रही है, और कभी किसी ने कोई हरकत में नहीं आया। आप सभी से निवेदन है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जेल में पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।